देखिए, बहुत अगर ऐसा खबर है, अभी आधिकारिक रूप से मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा खबर है तो दुर्भाग्यजनक है। वो पार्टी के एक महत्वपूर्ण अंग हम मानते हैं, शोरण परिवार की बहू, और कोई भी अंग में थोड़ा भी चोट पहुंचता है तो पूरे शरीर को दर्द होता है। तो वो तो एक विधायिका थी, पुरानी विधायिका हैं अभी भी, और हम उम्मीद करेंगे कि अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करें कि इस पार्टी में जो सम्मान उन्हें मिला, मुझे नहीं लगता कहीं और मिल पाएगा। और सबसे बड़ी बात, वो दिवंगत दुर्गा सोरेन जी की धर्मपत्नी, जिन्होंने झारखंड में न जाने कितने संघर्ष किया, और उनके संघर्ष का उनका बहुत योगदान है इस पार्टी में, उन्हें इस तरह का निर्णय नहीं लेना चाहिए था। लेकिन फिर भी अगर वो अपने विरोधियों, हम लोगों के विरोधियों के बहकावे में आ गई हैं, तो मुझे लगता है कि वो खुद अपना नुकसान करेंगे। ऐसा कोई दूरदर्शी व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। अब किन लोगों के बहकावे में वो आई हैं, ये तो आगे आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। विषम गुरु, आप लोगों के पार्टी सुप्रीमो की बड़ी बहू हैं, और मतलब उन्होंने लगातार विभिन्न माध्यमों से कहा कि उपेक्षा की जा रही है उनकी, कई बार ये सब खबरें आई, क्या किया? देखिए, मैंने बोला वो परिवार की बहू हैं, साथी पार्टी की एक पुरानी विधायिका। मैं कुछ भी प्रतिकूल टिप्पणी उन पर फिलहाल नहीं करना चाहूंगा। मैं उम्मीद जताऊंगा कि वो अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें और पार्टी को मजबूती प्रदान करें। देखिए, बहुत अगर ऐसा खबर है, अभी आधिकारिक रूप से मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा खबर है तो दुर्भाग्यजनक है। वो पार्टी के एक महत्वपूर्ण अंग हम मानते हैं, शोरण परिवार की बहू, और कोई भी अंग में थोड़ा भी चोट पहुंचता है तो पूरे शरीर को दर्द होता है। तो वो तो एक विधायिका थी, पुरानी विधायिका हैं अभी भी, और हम उम्मीद करेंगे कि अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करें कि इस पार्टी में जो सम्मान उन्हें मिला, मुझे नहीं लगता कहीं और मिल पाएगा। और सबसे बड़ी बात, वो दिवंगत दुर्गा सोरेन जी की धर्मपत्नी, जिन्होंने झारखंड में न जाने कितने संघर्ष किया, और उनके संघर्ष का उनका बहुत योगदान है इस पार्टी में, उन्हें इस तरह का निर्णय नहीं लेना चाहिए था। लेकिन फिर भी अगर वो अपने विरोधियों, हम लोगों के विरोधियों के बहकावे में आ गई हैं, तो मुझे लगता है कि वो खुद अपना नुकसान करेंगे। ऐसा कोई दूरदर्शी व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। अब किन लोगों के बहकावे में वो आई हैं, ये तो आगे आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। विषम गुरु, आप लोगों के पार्टी सुप्रीमो की बड़ी बहू हैं, और मतलब उन्होंने लगातार विभिन्न माध्यमों से कहा कि उपेक्षा की जा रही है उनकी, कई बार ये सब खबरें आई, क्या किया? देखिए, मैंने बोला वो परिवार की बहू हैं, साथी पार्टी की एक पुरानी विधायिका। मैं कुछ भी प्रतिकूल टिप्पणी उन पर फिलहाल नहीं करना चाहूंगा। मैं उम्मीद जताऊंगा कि वो अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें और पार्टी को मजबूती प्रदान करें।